बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th उर्दू क्लास। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आप लोग, हम कर रहे थे उसकी तशरीह, हमने 3 शेर किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम शेर नंबर 4 से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर शेर लिखें, जजता नहीं नजरों में या हिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। मफहूम लिखें, जो अल्लाह ताला से लो लगा लेता है वो अपने हाल में मस्त रहता है, इसकी नजरों में शाही लिबास की कोई अहमियत नहीं, वो कमली ओढ़े खुदा के जलवों में मगन है। तशरी लिखे, दुनिया का ये कायदा है कि जब बादशाह अपने किसी मुलाजिम से खुश होता है तो इसे एक शानदार लिबास अता करता है, जिसे फलत कहते हैं, वो खुशी से अतराता फिरता है, जो अल्लाह से लो लगाता है तो इसकी नजरों में दुनियावी शान और शौकत की कोई अहमियत नहीं रहती, और अल्लाह ताला इसे जिस हाल में रखता है वो इसी में मस्त रहता है, इसके लिए इसका फटा पुराना लिबास ही बादशाह की तरफ से अता किए हुए लिबास से बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का खास बंदा जाहिरी नमूदो नमाइश की परवाह नहीं करता, बल्कि इसका दिल खुशी से भरपूर होता है कि वो अल्लाह ताला का गुलाम होने पर फख्र महसूस करता है। बकौले शायर, तुझी को जो जहां जलवा फरमा देखा, तुझी को जो जहां जलवा फरमा देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। उसके बाद हमारे पास शेर नंबर 5 है, तू ही नजर आता है हर शैत मोहित उनको, जो रंज मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। मफ़हूम लिखें, जिन लोगों को मुसीबतें घेर लेती हैं वो तुझ से ही गिला करते हैं, और तू ही इन्हें हर चीज में नजर आता है। तशरीह है हमारे पास, इस शेर में शायर अल्लाह ताला की शान और शौकत का जिक्र करते हुए कहता है, इंसान जब खुशियों में होता है तो वो अपने रब को भूल जाता है, मगर जैसे ही इन पर कोई मुश्किल आती है तो इन्हें अपना रब याद आ जाता है। इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला के नाशुक्रे लोग भी ये जानते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही इनकी सुनता है, कि सिर्फ अल्लाह ताला ही इनकी सुनता है, इन्हें हर चीज अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में नजर आती है, वही हमारा हामी और मददगार है। सूरह फातिहा में इरशाद है, तर्जमा लिखे, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। बकौले शायर,
कामिल है जो अजल से, वो है कमाल तेरा। कामिल है जो अजल से, वो है कमाल तेरा। बाकी है जो अबद तक, वो है जलाल तेरा। शेर नंबर 6 लिखे। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। मफहूम है, ऐ अल्लाह तेरी खुशबू दुनिया में फैल कर रहेगी, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा तेरा पैगाम घर घर पहुंचा रही है। अब शेर लिखे। हर एक जरा फिजा का दास्तां इसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम इसका। रब्बे कायनात की जात रोजे अजल से है और रोजे अबद तक रहेगी। अल्लाह ताला अपनी जात, अल्लाह ताला अपनी पहचान के लिए, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए ये दुनिया बनाई। इसकी जात से इनकार मुमकिन ही नहीं। इसने अपनी निशानियां चारों तरफ फैलाई हुई हैं और सुबह की ठंडी हवा भी इसका पैगाम लिए फिरती है। दिन रात के औकात, मौसमों का बदलना, सब अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। इसकी बनाई हुई चीजें, उसको मानने वालों और ना मानने वालों सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सबको मजबूर सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। शेर नंबर 7 लिखें। मफहूम है, तेरी कही हुई बात दिल को छू कर गुजरती है, खाली तेरा बात करने का अंदाज सबसे अलग है। तशरी लिखे। ये शेर हम का मक्का है, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इसमें शायर कहते हैं कि अल्फाज अपने अंदर बहुत असर रखते हैं, बात करने का अंदाज हर किसी को नसीब नहीं होता। कुछ लोग बात करने के फन से ऐसे आगाह होते हैं कि इनकी मामूली बात भी दिल में घर कर जाती है। शायर अल्लाह ताला की कि इनकी मामूली बात भी दिल में घर कर जाती है। शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है, इसका शुक्र है इसने मुझे अपनी तारीफ के काबिल समझा। वो खुद से मुखातिब होकर कहता है कि हाली तेरा बात करने का अंदाज बड़ा दिलकश और खूबसूरत है और तुम्हारी कही हुई हर बात हर किसी को बहुत मुतासिर करती है।
हाली की शायरी लाशुबा एक अलग अंदाज रखती है। बकौले शायर, अंदाज बया गर्चे शोक नहीं लेकिन, अंदाज बया गर्चे शोक नहीं लेकिन, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जी बच्चों, ये हमारी तशरीह कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये सारी तशरीह और इसकी मशक को अच्छी तरह से याद करना है, जितना भी काम किया है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।